गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल महनाज अमीर व्लॉग में। तो आज जो है मेरी सिस्टर कुकिंग करने लग गया, वैसे तो अक्सर यही करती है। मेरी तरफ आई हुई मैं तो ये क्या बना रही इसे पूछते हैं। आलू कोफ्ते बनाने हैं अभी हम पहले कोफ्तों को फ्राई करेंगे। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना, ये बिरयानी भी इसकी बहुत मज़े की होती है और काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी बना देती है। तो आलू कोफ्ते जो कोफ्ते इसमें पहले इसे बना के जो है ना वो रखे हुए हैं, ऐसे ही है। और इसको बस फ्राई कर देंगे। वीडियो को जो है ना वो लाइक ज़रूर आपने करना है। और ये देख लीजिए, ये कोफ्ते पहले से बना के रखे हैं। ये बीफ है, चिकन है, क्या है? बीफ। बीफ तो बताओ कि मोटी मोटी रेसिपी कोफ्तों की क्या क्या डालें। अभी कोफ्ते तलने हैं पहले। कोफ्तों के कीमे में क्या मिक्स कर रहा है? कीमे में टूटे ना इसलिए भुने हुए जो चने होते हैं उसको पीस के अच्छा वो डालने हैं। ठीक है, अगर चने नहीं है तो फिर बेसन को भून के डालना है। भून के? ठीक है। ये जो बनाते फ्राई करके बनाते, मैं जो बताती हूँ ना इसी तरह से बनाती हूँ। मैं फ्राई करके नहीं बनाती, मुझे लगता है एक तो हार्ड हो जाता है और दूसरा जो है ना वो ब्लैक भी हो जाती है। तो देखते हैं। और ये जो मसाला पीसा है इसमें कच्चा मसाला भी बना लीजिए। ये प्याज है, अदरक लहसुन का पीसा है। ठीक है। और ये जो है कोफ्ते इसमें ऐड कर, अच्छा इसमें जो इसमें हरा धनिया अदरक लहसुन का इसमें भी फिर ज़्यादा है, हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक कोटी डाली है, थोड़ा सा प्याज डाला है ताकि सॉफ्ट रहे। और दूसरा जो है इसमें जो इसने बताया चने या बेसन भून के वो, और नहीं तो अंडा। हाँ नहीं तो अंडा ऑप्शनल है, आपके पास तीन ऑप्शन है, जो सा भी आप डालना चाहे वो डाल दें। तो इनको फ्राई करते हैं और फिर बताते हैं। तो ये वाकई में नहीं टूट रही है देखें, बस हल्का सा शैलो फ्राई, उसको हम जो है शैलो फ्राई भी कर सकते हैं ना, डीप फ्राई अगर करना चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना बस फ्राई हो गया, हल्का हल्का सा करना पड़े और इनको फिर निकाल दें। जब ये फ्राई होते जब तक इनको फ्राई नहीं करते उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको मिलते हैं। मसाले मसाले इन्होंने रखे हुए हैं, यहाँ रखे हुए हैं इनके मसाले, कोरमा का धनिया हो गया, ये किस में यानी कोरमा मसाला, ये घर का मसाला, ये कुटी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, पिसी मिर्च, जीरा, नमक, नमक एक चीज़ डाली है। ये अच्छा ये कलर वाली जो है कि मिर्च ठीक है दे भी देना। तो ये स्पाइसेस है जो कि डालने एक दफ़ा ये आपको मैं दिखा रही थी, और जब भी डालेगी तब भी ना फिर कोफ्ते जो ये देखिए फ्राई कर दिए, इसमें गोल्डन हल्का सा कलर। ठीक है, और अब इसमें डाल देगी सबसे पहले इसी वाली ऑयल में जीरा। जीरा ठीक है, तो टमाटर नहीं डालना, अरे लाइट नहीं आ रही है और पीसूँगी कहाँ। अगर इसमें टमाटर भी पीस के डाल दो, कितने टमाटर पीसे हुए? दो बड़े एक छोटा, मतलब कि ढाई टमाटर। अब नेक्स्ट मसाले ड्राई स्पाइसेस जल्दी डाल दो, वीडियो लंबे हो ना फिर लोग देखते नहीं हैं। कुटी मिर्च एक चम्मच ना, गोरमन ये कौन सी मिर्च है? कश्मीरी लाल बेगी मिर्च, कलर के लिए होती है, इसका कोई मतलब तेज नहीं होती, इसलिए कलर के लिए डालना बस। अब इनको मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च भी, हरी मिर्च ना, इसको आप भूनने देंगे जब तक इसके ऊपर अच्छा सा ऑयल ना आ जाए। ठीक है, और क्या रह गया है ये थोड़ा सा डालना इसमें, ये नमक। अब इसको कवर करके थोड़ी देर रख देगी जब तक, इसमें आलू डाल दो भून। तो ये देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा है,
शाम का टाइम है, लाइट गई हुई है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये छत अम्मी की तरफ मैं आई हुई हूँ, ये अम्मी की छत है बहुत बड़ी, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए ये तो इधर तो ये ठीक है, और साथ का जो है ना ट्यूशन वो वाला वाइट दरवाजे वाला, मैं जूम करती हूँ एक मिनट, ये बिल्कुल वाइट वो वाला साथ का ट्यूशन है। यहाँ से लो ऑफिस, ये आपको नजर, और वेदर देखिए। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना, आप लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ये देखिए। और ये कच्ची जगह है, ग्राउंड है, यहाँ रिसेंटली ट्यूबवेल बना है। और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, वहाँ जो है ना भाई गाड़ी बांध रहा है हमारी, शायद आपको यहाँ से नहीं नज़र आ रहा, दिखाती हूँ। तो ये देखिए वो नज़र आ रहा है, तो ये सारा आपको नज़र आया ना उसका, ये हाँ, तो ये मेरा घर है। और ये बैड़ी को ना अंदर बांध रहा है। अली शूट कर रही हूँ, हाय कर दे, हाथ हिला दे, शूट कर रही हूँ। वो देखे जो उसने हाथ हिलाए ना, हाँ सही है, ठीक है बस। तो वो बांध के अभी आ जाएगा, क्योंकि घर में इस टाइम कोई भी नहीं होता, इसलिए मैं मम्मी की तरफ ऊपर आ जाती हूँ। मेरे साथ ही जो है वो मस्जिद है, और भी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत। ये देखी मैं ना कभी कभी बच्ची सी बन जाती हूँ, मेरा जो दिमाग है ना प्रॉपर सही है दिमाग, बस कभी कभी ना मुझे ना बच्चों वाली हरकतें करने का बड़ा मज़ा आता है। साथ के साथ मैं इतनी फ़नी हरकतें करती हूँ ना, इतनी फ़नी हरकतें करती हूँ, कभी उसके साथ डांस करना शुरू कर देती हूँ, कभी वो जो होता है ना माँ बेटे का प्यार लाडियो वाला, कभी वो करती हूँ। अच्छा मैं क्या कह रही थी आपको, मैं उधर लेके चलती हूँ, ये जो है ना लंबी सी गैलरी है, और वहाँ आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ से। ये भी मस्जिद का पोर्शन है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। इतना प्यारा वेदर है, और जितना प्यारा वेदर है उससे भी प्यारी मेरी वीडियो बन रही है। अपने इस ब्लॉग को लाइक, चैनल पे नहीं हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये और ये उस साइड का, ये इन्होंने ना कुटा बनाया हुआ मुर्गियों का, इधर मुर्गियाँ रखी हुई है, तो ये देखिए। और चलिए शाम का टाइम है, अंदर चलते हैं और देखते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए ये टूटा हुआ है, ये देखिए, ये अम्मी का सहन है। जब साथ के पापा आ जाएंगे फिर मैं घर जाऊंगी, खाना वगैरह खा लिया, खाना मैं आ गई अंदर, और खाना मैंने जो है वो बना भी लिया और खा भी लिया, जल्दी खाना खा लेती हूँ मैं। और ये भाई भी कुछ कर रहा है यहाँ, ये कुछ कर रहा है, तो ये कलेजी का कुछ कर रही है ना, कल कलेजी बहुत पसंद है, तो ये मसाला जो है ना जब तक भुन नहीं जाता। अच्छा ये टमाटर का पेस्ट भी डाला है अभी इसने, मैं भूनने लगा फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो देखिए। लाइट गई है, ये देखिए अम्मी मेरी बैठी कुकड़ी बन के बैठी हुई, अम्मी तुम तो ऐसे कुछ भी, और ये बेचारी नहीं कर रही है, इसलिए इसने हांडी बनाई है, इसने यही बना रही है, ये नेक हो गए, नेक परवीन। मगर भी जाने भी हो गए तो मैं बोलती नहीं हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।